अरे देश में 12वीं फेल लोगों के लिए इतनी सुरक्षा दी जाती है, आप सोच सकते हैं? कमांडो गिनी है यहाँ पे सिक्योरिटी, आप कुछ गिन नहीं सकते हैं कितने गनर लोग आगे पीछे लगे रहते हैं। तो सोचिए, सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूना वाला है उनसे गलती हो गया, उन्हें हमारी दीदी से सीखना चाहिए, हमारी बहन से सीखना चाहिए कि अगर आप 12वीं फेल रहते ना तो आपको ज्यादा सुरक्षा दिया जाता, क्योंकि यहाँ बताइए ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिया जा रहा है जबकि जिनके जान पर कोई खतरा नहीं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती है, इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती है कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, अब बंगाल चौपट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब 10 साल से वही शासन कर रही थी, 5 साल में और कुछ ना होने वाला है, इलेक्शन वगैरह को गोली मारना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती तो बंगाल अमेरिका हो जाता, नासा का हेड ऑफिस बंगाल में आ जाता, यूएनओ का ऑफिस बंगाल में चला आता, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य मिल जाता, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन कलकत्ता में स्थापित हो जाता, शायद भारत की राजधानी वापस कलकत्ता शिफ्ट कर दी जाती। अगर ममता बनर्जी हारती तो बंगाल वालों तुम लोगों ने हरवा दिया, हम मेरी दीदी की बात माने रहते तो आज बंगाल अमेरिका हो जाता, पूरी अमेरिका सिंगापुर सब पीछे हो जाते बंगाल से, बंगाल इतना डेवलप करता कि भारत से भी आगे चला जाता। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी 12वीं फेल दीदी के लिए इस तरह से हम लोग स्कॉट की व्यवस्था रखें और चारों ओर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाया जाए, क्योंकि भारत उनके बिना अधूरा है, वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक है। है कोई वैज्ञानिक में इतना पावर जो 12वीं फेल होने के बावजूद इतना सम्मान ले सके? हमारी दीदी के लिए कमांडोज लगने चाहिए, ये जेट प्लस सुरक्षा से काम नहीं चलेगी, यहाँ पर हमारी दीदी के लिए NSG कमांडो आना चाहिए।